पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि संपूर्ण संसार में लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। पैसिव वॉइस बनाना है, सबसे पहले देखना है साधारण वाक्य है, जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है उसका सब्जेक्ट है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, पीपल, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, नथिंग, समवन, इनको अपन पैसिव वॉइस के वाक्य में लिखते नहीं क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानकर इनको छोड़ दिया जाता है। जिस वाक्य में बाई द पीपल लिखा है वो नहीं हो सकता। दूसरा तरीका ये कि आप वर्ब के द्वारा हल कर सकते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, तो इस वाक्य में साइक्रिया लगेगी। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो तो पैसिव वॉइस के वाक्य में साइक्रिया क्या लगती है, कंफर्म में अभी बताया था 2 मिनट पहले मैंने, इज आर एम लगता है। इस वाक्य में इज आर एम नहीं है, उसको कट कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन कट कर सकते हैं फटाफट बताइए आप? ऑप्शन नंबर 3 को कट कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या दिया है, वोज दिया है। चलिए अब प्रत्येक वाक्य को देखते हैं। इंग्लिश ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया है, इज भी ठीक है, स्पोकन ठीक है। ये वाक्य की शुरुआत तो सही हुई थी लेकिन ये वाक्य अधूरा रह गया। हाँ, पीपल को अपन छोड़ सकते हैं लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इस फ्रेज को हम छोड़ नहीं सकते, और इस वाक्य में क्या किया गया, मिस किया गया, इट मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा वाक्य कहता है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई द पीपल, फिर यहां जाके जी गलत हो गया क्योंकि द पीपल को अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, पैसिव वॉइस के वाक्य में लिखा नहीं जाता, ये भी क्या हो गया, कट हो गया। आंसर कौन सा बच गया, डी बच गया, 3 तो हमने कट कर दिए। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण संसार में क्या बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। इस प्रकार आपके सामने मैंने 12 एग्जाम्पल रखे, बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, प्रत्येक सेंटेंस में नया रूल फॉलो करने के मैंने प्रयास किया, शायद आपने अच्छी तरह से इनको हल किया होगा। नेक्स्ट वीडियोज में ये तो सिंपल वाक्य थे, कुछ डिफिकल्ट रूल्स के वाक्य भी मैं इंक्लूड करूंगा। आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियोज के साथ।